आगामी पर्व त्यौहार जो शुरू हो रहे हैं, दुर्गा पूजा, दशहरा, छठ, उन सभी को लेकर के हम लोगों ने आज बैठक किया है सभी जिला स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, थाना स्तरीय पदाधिकारियों के साथ। और हम लोगों का अनुमान है कि चूंकि पिछले 2-3 साल से कोरोना के कारण सब डिस्टर्ब था, इस बार काफ़ी भीड़ होगी। पटना में होने वाले दुर्गा पूजा को लेकर जो है भीड़ इस बार उमड़ने वाली है, जिसको लेकर पटना के डीएम जो हैं वो एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। बता दें आपको कि डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने तमाम जानकारी दी है, हमारे सहयोगी ने जब उनसे बात किया, उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से सुनसान एरिया है वहाँ पर स्ट्रीट लाइट जल्द से जल्द लगाई जाएगी, जहाँ पर तमाम लोगों को दिक्कतें नहीं होगी, वहीं तमाम जिलाधिकारी, मजिस्ट्रेट, पुलिस प्रशासन जो है हर जगह पर तैनात रहेंगे, जिससे आम लोगों को परेशानी नहीं होगी। देखा जाए तो कोरोना काल की वजह से दुर्गा पूजा बिहार में नहीं हो रहा था, पटना में नहीं हो रहा था, और इस बार जो है भीड़ उमड़ने वाला है, और जिसको लेकर कोविड प्रोटोकॉल जो है उसको पालन करते हुए तमाम चीज़ों का जायजा लिया जाएगा, तमाम चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा। देखिए क्या कुछ कह रहे पटना के डीएम जो है डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, वो सुने आप लोग। आगामी पर्व त्यौहार जो शुरू हो रहे हैं, दुर्गा पूजा, दशहरा, छठ, उन सभी को लेकर के हम लोगों ने आज बैठक किया है सभी जिला स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, थाना स्तरीय पदाधिकारियों के साथ। और हम लोगों का अनुमान है कि चूंकि पिछले 2-3 साल से कोरोना के कारण सब डिस्टर्ब था, इस बार काफ़ी भीड़ होगी और लोग निकलेंगे घरों से और सेलिब्रेट करेंगे पर्व त्यौहार को, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने आज बैठक की है और उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो लोगों को और किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो। सुरक्षा को लेकर क्या सब तैयारियाँ हैं? सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, जो फोर्स मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन है वो भी हम लोग कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो नाइट पेट्रोलिंग की बात हुई है उसको लगातार करने के लिए, और जो वरीय पदाधिकारी हैं वो भी रात में इस भीड़ में निकलें, क्योंकि हम लोग देखते हैं पूजा के दौरान रात में बहुत लोग परिवार के साथ घूमने निकलते हैं, तो उन सबको देखते हुए नाइट पेट्रोलिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और जो हम लोगों के साइडो एरिया हैं जहां स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं है या हाई मास्ट लाइट ख़राब है, उन सभी को ठीक कराने के लिए भी नगर निगम को निर्देशित किया गया है, 3 दिन के अंदर वो लोग विशेष अभियान चला करके उसको ठीक कराएंगे। 2 साल बाद कोरोना के बाद जो है काफ़ी भीड़ बढ़ने की उसी को लेकर के हम लोग इस बार तैयारी कर रहे हैं, और उसके अलावा कई हमारे नए रूट भी बने हैं, जैसे गंगा पथ है, अटल पथ है, उन सबको लेकर के भी हम लोगों ने प्लान किया है, और बहुत सारे हमारे रास्ते हैं जहां अभी काम चल रहा है, मेट्रो का, पुल निर्माण निगम का, नमामि गंगे का, उसके कारण विसर्जन के रूट और लोगों के आने जाने के रूट भी डिस्टर्ब हुए हैं, तो उन सबको लेकर के भी हम लोगों ने प्लान किया है। पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी हमारी क्षेत्र? बड़ी संख्या में रहेगी, अभी उसका हम लोग ज्वाइंट आर्डर एक निकाल रहे हैं, बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी रहेंगे। कुछ पूजा पंडालों के लिए मानक भी बनाए गए हैं क्या? पूजा पंडाल बनाए गए लोगों का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसके माध्यम से कि पूजा पंडाल जो है उनकी ऊंचाई 40 फीट के आसपास होनी चाहिए अधिकतम, और जो मूर्तियां हैं उसकी अधिकतम ऊंचाई 20 फीट होनी चाहिए। तो ये सभी लोगों को हम लोगों ने सूचित कर दिया है, आज भी बैठक में सबको बताया गया और सभी समितियों को भी हम लोगों ने बताया है, और आपके माध्यम से भी सभी समितियों से हम लोग अनुरोध करेंगे कि इस मानक का पालन करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए है और बाकी जो विसर्जन में कठिनाइयां होती हैं उसको भी देखते हुए ये नियम बनाया गया है। डीजे लाउड स्पीकर प्रतिबंध रहेगा? हाँ, डीजे प्रतिबंधित रहेगा, लाउड स्पीकर का तो उपयोग करते हैं लोग और वो भीड़ नियंत्रण में भी किया जाता है, लेकिन डीजे पर प्रतिबंध रहेगा, ये हम लोगों ने आज बैठक में डिसाइड किया। तो आपने सुना डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह है पटना के डीएम, उनका साफ कहना है कि पूरा जो है पुलिस प्रशासन तैनात रहेगा, जिस तरीके से सुनसान एरिया है उसको देखते हुए स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा, जो नगर निगम की टीम है वो लगातार मिशन चलाएगी और कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन में जो है स्ट्रीट लाइट लग जाएगा, जिससे आम लोगों को परेशानी नहीं होगी। देखिए दुर्गा पूजा को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन या फिर जो पटना के डीएम है वो एक्टिव मोड में दिख रहे हैं, वहीं क्या कुछ कह रहे थे डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे NBC 24 मीडिया के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, बहुत बहुत धन्यवाद।